खबर कैथल से है, जहां उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हरियाणा में एक बार फिर जाट आरक्षण का मुद्दा गर्म होने लगा है। इसके लिए हरियाणा में अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति ने कमर कस ली है और कैथल में मीटिंग कर 29 जनवरी से हरियाणा के हर जिले में धरने शुरू करने का ऐलान करते हुए समिति ने कहा कि अगर जाट को आरक्षण ना मिला और जेल में बंद निर्दोष जाट युवकों को रिहा नहीं किया गया तो देशव्यापी आंदोलन भी शुरू हो जाएगा और फिर भी आरक्षण नहीं मिला तो ये आत्मदाह का कदम भी उठा सकते हैं। भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति जिला कैथल की कार्यकारिणी से जुड़े सभी साथियों की मीटिंग बुलाई गई है और आज की मीटिंग का हमारा मुख्य उद्देश्य है 29 जनवरी को जो सारे हरियाणा के सभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टरों पर जो हमारी मांगे सरकार ने मानी थी और सरकार ने उन मांगों को पूरा ना किया। आज भी हमारे बच्चे जेलों में बंद हैं और जो मुकदमे थे वो भी इसी तरह उन पर दर्ज हैं और जो आरक्षण की मांग है वो भी माननीय हाईकोर्ट में बीच में लटकी हुई है, ना वो पूरी हुई है। तो इन्हीं मांगों को लेकर जाट समाज को ना चाहते हुए भी दोबारा 29 तारीख से, अगर सरकार ने 29 तक भी नहीं इन मांगों को, हमारी मांगों को नहीं माना तो 29 तारीख को जाट फिर दोबारा से सड़कों पर बैठने के लिए मजबूर हो जाएंगे और सरकार को आखिर झुकना पड़ेगा। इस बार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष यशपाल मलिक जी ने ये कहा है कि जब तक कोई सरकार ठोस हमें लिखित में नहीं देगी तो इस बार धरने लगातार चलते रहेंगे। कहाँ से संघर्ष? सारे हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर अभी हमने 15 तारीख तक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को नाम देने हैं। हमने जहाँ भी आज की मीटिंग का ये भी एक मुख्य उद्देश्य है, मुख्य मुद्दा है कि कैथल डिस्ट्रिक्ट में हमारी तो जो कार्यकारिणी है वो कौन सी जगह फाइनल करेगी और फाइनल कर प्रशासन से उसकी अनुमति के लिए भी लिखेगी। क्या मांगो? उन्होंने हमसे पहले दो बार धोखा किया है कि जो बच्चों पर केस दर्ज हुए हैं वो वापस लेने हैं, जो बच्चे कुछ बच्चे अब भी हमारे जेलों में हैं जिनकी सज़ा का उनके जो दारें लगी है उन पर 6 महीने की सज़ा है लेकिन उनको 9-9, 10-10 महीनों के वो जेलों में सड़ रहे हैं, जो हमारे बच्चे उनको छुड़ाने की के जो मुकदमे दर्ज हैं वो वापस लेने की और आरक्षण की जो हमारी मेन मुख्य वो 9वीं सूची में उसको डालकर स्टेट में और केंद्र में हमें जो आरक्षण की हम जाट आरक्षण की मांग है ये हमारी मुख्य 3 मांगे हैं। क्या सर जो हम धरना देने जा रहे हैं वो वादा के खिलाफ कर रहे हैं और हम बिल्कुल नहीं इनका सरकार की बात मानेंगे। अब का जो धरना होगा वो आर पार की लड़ाई होगी, इसमें से हमें अत्यम दावी करना पड़े लेकिन कोई भी कच्ची मांग से नहीं उठेंगे। इनका लिखित लेके धरने के ऊपर कोई आवेगा विश्वास देगा जब उसके बाद धरने का तोड़ कराएंगे। इनका ये धरना वैसे नहीं उठाएंगे। हाँ, बैठना रहना पड़े, सारी जातियाँ लगाई है और जो नौजवान बूढ़ा सब सारा का सारा जितना जात तबका है और 5-6 जाते हैं हमारी, सारे के सारे हमारा साथ दे रही है और मिलजुल का अब क्या हमें पूरी लड़ाई लड़ेंगे। धन्यवाद। पहले तो 2016 के अंदर 3 बार आश्वासन दे चुकी है। पहला आश्वासन 22 फरवरी को दिया जाट समाज की मीटिंग केंद्र सरकार ने और प्रदेश सरकार ने भी के साथ हुई थी जाट नेताओं की, वहाँ आश्वासन मिला। फिर हमारे जून में जब शांतिप्रिय धरने चले इन्हीं मांगों को लेकर, जाट आरक्षण को लेके और गिरफ्तारियों को लेके, फरवरी के आंदोलन के दौरान जो गिरफ्तारियां मुकदमे दर्ज हुए थे उनको लेके जो धरने चले वहाँ भी आश्वासन मिला। हमारी 18 जून को प्रदेश सरकार के साथ मीटिंग हुई थी जाट नेताओं की, उसको भी पूरा नहीं किया गया। उसको लेके जाट समुदाय में बिल्कुल रोष है और अब की बार धरने प्रदर्शन मतलब हम तब तक करेंगे जब तक हमारी लड़ाई पूरी नहीं हो जाती। आश्वासन लेके सरकार से जाट समुदाय नहीं उठेगा। की कार्यकारिणी की मीटिंग चल रही है, इसमें जिला के सभी जाट नेताओं से सभी गांवों के जो जाट प्रतिनिधि आए हुए हैं उनकी राय लेने के बाद जगह चिन्हित की जाएगी। उस जगह को हम प्रशासन को लिख के भी देंगे और उस जगह की परमिशन भी लेंगे। आपकी सोची साची साजिश है, जाटों के खिलाफ षड्यंत्र है और यहाँ पर सरकार जो भाजपा आई है ना, ये जाट और गैर जाट के मुद्दे को लेकर दोबारा आने के लिए हमारे को मतलब इतने सारी पीड़ाएं दे रही है और हमारे साथ अन्याय कर रही है। अब हमारे यूपी और पंजाब के जो चुनाव आए हैं उसमें हमारा जो जाट वोट है, हम वोट की चोट से भाजपा को नुकसान पहुंचाएंगे जो हमारे को नुकसान पहुंचाया है। अगर हमारी मांगें पूरी हो जाती है तो हम भाजपा का साथ भी दे सकते हैं।
युवाओं की, नौजवानों की, माताओं बहनों की, महिलाओं की, पूरे समाज की भागीदार रहेगी और सरकार का जोरदार विरोध किया जाएगा। पिछली बार 31 जनवरी से जो धरने प्रदर्शन जाट समाज के द्वारा प्रदेश भर में दिए जाएंगे, उसके अंदर में अब की बार सरकार चार पार की लड़ाई होगी और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं मानी जाएंगी, जब तक जाट समाज अपनी 6 जातियों के साथ मिलकर सड़कों पर धरना देगा और जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मांगे, जब तक समाज वहाँ बिल्कुल विरोध रूपी विरोध दर्ज करेगा और शांतिपूर्ण ढंग से हमारे धरने होंगे। और जो आने वाले 5 राज्यों में चुनाव है, जिसमें यूपी, उत्तर प्रदेश है और पंजाब में, उसमें सरकार का, बीजेपी सरकार का विरोध किया जाएगा। जो पिछली बार अप्रिय घटनाएं हुई है, इसमें जाट समाज तो शांतिपूर्ण धरना अपनी तरफ से दे रहा था, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व सरकार के द्वारा इस आंदोलन के रूप में भेजकर अप्रिय इस आंदोलन को दर्शाया गया। जो जाट समाज था वो शांतिपूर्ण ढंग से अपना धरने प्रदर्शन दे रहा था और अब की बार भी जो धरने और प्रदर्शन शुरू होंगे वो शांतिपूर्ण ढंग से होंगे।